तो आज दशहरा विजयादशमी है, इसलिए कि आज जो दशमी तिथि है, इस दशमी तिथि के दिन भगवान राम रावण के ऊपर विजय प्राप्त किया था, इसी वजह से इस तिथि को विजयादशमी करके मानते हैं। क्योंकि रावण साक्षात अधर्म असत्य और पाप था और उसको उसके अत्याचार में पूरे धरती के लोग देवता लोक पर्यंत त्रस्त होकर भगवान को प्रार्थना किए थे। भगवान आपने वचन रक्षा करने के लिए भगवान कहते हैं कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत जब ये धर्म का हानि होता है, अधर्म का अवस्थान होता है, तभी तभी भगवान आते हैं। किस लिए आते हैं? ना परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृत नाम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे। साधुओं को रक्षा करने के लिए, दुष्कृति राक्षस को विनाश करने के लिए और धर्म को स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। तो आज भी इस विजय दशहरा की तिथि में प्राय विश्व में सभी श्रद्धालु लोग इस रावण दहन कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि आज के स्थिति में भगवान श्री राम विशेष ब्रह्मास्त्र के द्वारा रावण की छाती में ब्रह्मास्त्र प्रयोग करके उसको बद्ध किए थे। इस रावण बद्ध कार्यक्रम को बड़े भव्य रूप से मनाने के लिए प्राय सभी जगह में लोग श्रद्धालु लोग इकट्ठा रावण पोड़ी रावण दहन कार्यक्रम करते हैं। तो रावण जो दस सिर वाले दस ग्रीव रावण था, ये तो तभी था भगवान राम मारे थे, लेकिन ये अगर हम विचार करके देखें हमारे अंदर भी उसी के स्वभाव असुर प्रकृति अभी भी है। तो आज के इस इतने शुभ तिथि, इतने विजय दशमी, सबसे मंगलमय तिथि, भगवान राम का नाम स्मरण करके, भगवान राम के शरणागत हो करके, भगवान के भजन का बल पर अगर हम लोग आज के दिन इस शुभ समय में इस शुभ संकल्प ले मन में कि आज के मेरे अंदर ये जो आसुरी प्रवृत्ति है, जो पाप प्रवृत्ति है, असत्य प्रवृत्ति है, उसको मैंने आज से विनाश करूँगा। आज से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आज से मैं इसे गलत नहीं करूँगा, पाप नहीं करूँगा। इस प्रकार के कुछ नियम आप लें, इस प्रकार से जो रावण के वृत्ति रूप हमारे हृदय में रहते हैं, तो राम वृत्ति से इस रावण वृत्ति को विजय प्राप्त करना होगा। इस प्रकार से हम लोग कुछ शुभ संकल्प ले सकते हैं। तो आज केवल भगवान राम के विजय उत्सव, राम विजय दशहरा उत्सव नहीं, आज रावण का भी तिरुभाव तिथि है कि नहीं? रावण का मर्डर हुआ था आज, तो उनका डिसअपीयरेंस डे भी है। तो चाहे रावण की डिसअपीयरेंस डे बनाओ या भगवान राम के विजय उत्सव बनाओ, चाहे असुर प्रवृत्ति को विनाश करो, चाहे शुभ प्रवृत्ति देव प्रवृत्ति को प्रकाश करो, दोनों ही एक ही बात है। हम किसी भी प्रकार से अपने अंदर अच्छे गुण देव प्रकृति देव प्रवृत्ति को लाना चाहिए और जो असुर प्रवृत्ति दुष्कृति दुष्प्रचार को नाश करना चाहिए। इस रावण पुड़ी रावण दहन का कार्यक्रम का यही विशेष रहस्य है। हम आप सभी को विशेष विशेष बधाई देते हैं और स्वागत करते हैं। आप सभी के शुभकामनाएं रावण की राम विजय उत्सव की शुभकामना करते हैं कि अभी कुछ ही क्षण में रावण को अभी निधन होने वाला है, आपके सामने रावण बद्ध होने वाला है। तो भगवान राम का खूब जोर से जय घोष आपको करना चाहिए। जय श्री राम, जय सिया राम, ऐसे जय घोष के साथ रावण का निधन होगा और हम सभी के अंदर जो भी आसुरी प्रवृत्ति है, आसुरी विचार, अशुभ विचार, रावण प्रवृत्ति है, ये सबका विनाश हो जाएगा भगवान की श्री नाम घोष से, भगवान श्री राम की शुभ जय घोष से ये सारे दुर्गुण दुष्प्रवृत्ति नाश हो जाए। तो मैं सभी को प्रार्थना करूँगा कि आप सभी जय श्री राम करके सभी अपने पूरे आउट लाउड वॉइस में ये जय घोष कीजिए और जो भी रावण को बद्ध करने वाले राम के प्रतिनिधि हैं वो लोग रावण बद्ध के लिए प्रयत्न कीजिए। जय श्री राम।
जय श्री राम। हरे कृष्णा। तो अभी रावण दहन होगा, तो आप लोग ध्यान रखिए, कोई फटाके वटाके आगे गिरे तो प्लीज टेक केयर। तो हम विनती करते हैं आगे की पूरी जगह खाली कर दे, यहाँ पे हटेंगे, यहाँ से हटेंगे, अभी जलेगा तो नहीं। मेरे वीडियो बनाने के लिए बोल रहा हूँ, इस वीडियो को मोबाइल दो, इस समय बनाओ। क्या बोलिए, हरे 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 राम, हरे राम हरे राम, हरे राम 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 राम, हरे 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 श्री राम, हरे श्री राम हरे श्री राम। और यहाँ खड़े हैं।